نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري حلل العقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي

इंदूर इंदूर शाह अर्थ के देखो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि जिस दिन से ये जमीन आसमान कायनात तखलीक हुई थी उस दिन ही से तखलीके कायनात ही के वक्त से इस कायनात के शब रोज उसके साल में महीनों की तादाद बारह ही रही है। शुरू से अव्वल दिन से महीनों की तादाद एक साल में बारह ही रही है। ये बारह महीनों में से एक महीना जिसके लिए हम सब निगाहें फर्शरा राख की मुंतजर है ये महीना वो महीना है जो तमाम साल के महीनों का शायद एक सरदार है बख्शिशों का महीना रहमतों का महीना अल्लाह की बरकतों का महीना हदायत का महीना रब से जुड़ने रब के कलाम से जुड़ने का महीना ये वो महीना है जो हदल्ल नास हुदल्लिन मुत्तकीन अल किताब के नजूल के आगाज का महीना है ये वो महीना है जो रहमतुल्लमीन खाति मुन्नबीन मोहम्मद वसल्लम की नबुवत के आगाज का महीना है रमजानुल मुबारक पर जब बात तो उस बात का आगाज इस महीने की फजीलत को दोबारा दोहराने के लिए मैं वसल्लम ही का वो मसनून खुतबा जो आप सल्लल्लाहु सल्ला रमज़ान से पहले शाहबान के महीने में इर्शाद फरमाया आपने मैं उसी के साथ रमज़ान की फजीलत का तस्करा करूँगी ताकि एक तो इस महीने की फजीलत हम अपने जहनों में दोहरा लें और दूसरा रसूल रतली वसम के एक सुन्नत को ताजा करने और इसको दोहराने का अजर भी हम समेट लें क्योंकि याद रखिएगा रमजान से पहले ये बात पल्ले से बांध लीजिए कि एक सुन्नत को एक सुन्नत को ताजा करना सौ शहीदों का अजर देने वाला है तो यही शाबानुल मुबारक का खुतबा नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने इस महीने का तारुफ करते हुए फरमाया लोगों और लोगों से मुराद उस जमाने के लोग नहीं हम सब भी हैं लोगों तुम पर एक बरकत महीना आने वाला है अल्लाह इस महीने में लोगों को अपनी रहमतों से ढांप लेते हैं लोगों के गुनाह बख्श देते हैं लोगों की दुआएं कबूल करते हैं सबका को शौक देखते हैं और फिर अपने बंदों पर अपने फरिश्तों में फखर करते फिर आपने ताकीद फरमाई लिहाजा तुम भी इस महीने में अपने रब को अपनी तरफ से भलाई ही दिखाओ अब फिर आपने यह भी मुतनबे कर दिया बदतरीन महरूम है वो शख्स बदतरीन महरूम है वो शख्स जो इस महीने को पाता है और इसकी रहमतें और इसकी बख्शिशें समेटने से महरूम रह जाता है अल्लाह हमें उन बदतरीन महरूमों में से ना बनाए अल्लाह बिन हूं इसी तरह अलैहि वसल्लम ने इसी महीने का तारुफ करते हुए एक और हदीस मुबारक में फरमाया कि रमजान की पहली ही रात रमजान की पहली ही रात में सारे सरकश, जिन्नात और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रह जाता जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रह जाता और फिर आपने फरमाया कि फिर एक मनादी मनादी कहते हैं निदा लगाने वाला अनाउंसमेंट करने वाला फिर एक मनादी करने वाला ऐलान करता है हम शायद अपने कानों से तो उस मनादी की ऐलान को नहीं सुनेंगे लेकिन हदीस ने हमसे उस मनादी की ऐलान का तारुफ करवा दिया कि फिर एक मनादी एक ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है कि ऐ नेकी करने वाले जल्दी कर और ए बुराई करने वाले रुक जा अल्लाह इन हदीस के अल्फाज को याद रखने की तोफ़ी कता फ़रमाए और इस रमज़ान में हमें नेकियों में जल्दी करने आगे बढ़ने फस्त बिकुल खैरात करने बढ़ बढ़ के लपक लपक के छोटी बड़ी आसान मुश्किल दिन को रात को हर ही किस्म और नौीय की नकियाँ करने की तोफ़ी का फ़रमाए और जब वो वो अल्फ़ाज हमारे जहन में गूंजे कि बुराई करने से रुक जा तो अल्लाह सुबहाना ताल इस मुबारक में हमें हर ही बुराई और शर से बचने की तोफीकता फरमा और फिर हदीस ने इस महीने के लिए ये भी तारु फरमाया कि अल्लाह सुबहाना महीने में जन्नत को अपने हाथों से मुजीन यानी सजाते हैं और फिर इस जन्नत से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे बंदे मेरे बंदे नेकिया करके मुझे राजी करने के काम करके तेरे पास आएंगे। अल्लाह हमें उनमें से बना दे अल्लाह रब की रज़ा के काम हमारे लिए इस रमजान में बहुत ही सहल और आसान बना दे और फिर आप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसी मुबारक में यह भी फरमाया कि अल्लाह सुबहाना ताला हर इफ्तार के वक्त अपने बंदों को जहन्नुम से निजात और जन्नत में दाखिले का परवाना अता फरमाते अल्लाह में उन खुश नसीब बंदों के सफ में शामिल फरमा दे तो ये तो मेरी बहनों ये बरकत महीना जो पिछले साल भी हम पर साया फगन हुआ और अगर मैं अब बैठ कर देखती हूं तो मुझे जस्ट लुकिंग बैक इन टू टाइम मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो पिछला रमजान का महीना गुजरा ये अभी गुजरा था और मैं अगर पीछे देखती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि बस अभी की बात है कि हम कुरान अपने हाथों में पकड़े थामे हुए दौड़ते हुए मेरी सारी बहनें हम हम आते थे अपनी अपनी नशिस्तों में बैठते थे कुरान को सुनते थे ईमान का बहुत सा खजाना समेट कर हम अपने अपने घरों को वापस रवाना होते थे क्या ख्याल है ये अभी नहीं लग रहा कुछ ही देर की बात है कि अभी पिछला रमजान गुजरा था और पलक झपकते में गुजर गया और अगर मैं सोचूं तो मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि फिर उस रमजान के बाद आने वाला वो साल ऐसे लगता है कि वो पर लगा के उड़ गया कितनी देर लगती है बहुत ज्यादा पिछला रमजान लगता है अभी आया था और फौरन गुजर गया था और उस रमजान के बाद साल भी लगता है कि पर लगा के उड़ गया और गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आने वाले रमज़ान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं मुंतजिर हैं और ये यकीन रखिएगा कि रमजान का महीना जिसको जिसको अल्लाह के कलाम में अमूदात कहा गया है ये रमजान का महीना शायद पिछले रमजान से भी जल्दी उड़ जाएगा इतनी जल्दी गुजर जाएगा कि शायद हमें इल्म भी नहीं होगा वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और गुजरता जा रहा है क्या ख्याल ऐसा नहीं है गुजरते हुए वक्त का एहसास हमें बस औकात नहीं होता लेकिन गुजरते हुए वक्त का एहसास बहुत दफा हमें अपने बालों की बढ़ती हुई सफेदी से होता है अपने भूख के घट जाने से और अपनी नींद के घट जाने से होता है या अपने जोड़ों की दर्दों के बढ़ जाने से होता है और या इस गुजरते हुए तेजी से जल्दी से गुजरते हुए वक्त का एहसास शायद बस औकात अपनी जिंदगी के महोसाल साल के गुजरने का एहसास हमें अपने इर्द गिर्द उन छोटे छोटे बच्चों को जवान होकर देखते हुए होता है बहुत तेजी से गुजरता है वक्त गुजर गया और गुजर रहा है और गुजर जाएगा अगर मैं और आप सोचें, तो आप सब पर यह एहसास होगा कि अभी कल की बात है कि हम स्कूल कॉलेज जाते थे ऐसा नहीं है और अभी कुछ ही दिनों की बात है कि हम अपने माँ बाप अपने वालदेन के सहन उनके आंगन में खेलते और कूदते थे और वो हम अपने माँ बाप के सहन में कूदने वाले खेलने वाले इतनी जल्दी वो वक्त गुजर गया कि फिर उस घर से रुखसती का वक्त आ गया और आज हम अपनी जिंदगी के इतने महोसाल गुजार चुके लेकिन वो चीजें आजकल की बात लगती हैं ये बात याद रख लीजिए कि जैसे अपने वालदे के घर में खेलते कूदते उस घर से रुखसती का वक्त बहुत जल्दी आ गया था इस दुनिया से रुखसती का वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है वो अटल हकीकत जिसका अल्लाह ने कुरान में तस्करा किया कुल्लू नफ से का तुल मौत उससे मुलाकात और इस दुनिया से रुखसती का वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है वो जो किसी ने कहा कि जालिम तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी गर्दून ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी हमारी जिंदगी की बर्फ पिघलती जा रही है शायद बस औकात हम इस चीज को भूल तो जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी की बर्फ पिघलती जा रही है और बड़ी तेजी से पिघल रही है और ये बात याद रखिएगा सूरा असर की तफसीर में इमाम राजी कहते हैं कि मुझे सूर्य असर का मजमून वाला असर ज़माने और गुजरते हुए और गुजरे हुए जमाने की कसम के इंसान खसारे में है सवय उनके के वो लोग जो चार काम करें इमाम राजी कहते हैं कि मुझे तो सूर्य असर का मजमून एक बर्फ फरोश की निदा सुनकर समझ आया जो क्या निदा लगा रहा था क्या पुकार रहा था वो बर्फ फरोश खुदाया तर्स करो उस शख्स पर जिसकी जिंदगी का सरमाया पिघल रहा है हमारी जिंदगी की बर्फ भी पिघल रही है और तेजी से कतरा कतरा करके पिघलती जा रही है कामयाब वो होगा जो इस बर्फ के पिघलने से पहले पहले इसका सौदा कर ले जिसकी बर्फ पिघल गई और उसने सौदा नहीं किया वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा वो खसारे से दो चार हो जाएगा कौन सा है वो सौदा अल्लाह सुबहान तला ने कुरान में सौदे का तस्करा किया है ना इन अल्लाह इन अल्लाह हश तरा मिन मिनी नबे अनफुसहम वो अम्बा बे अन्ना लहमुल जन्ना कि इसमें कोई शक ही नहीं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने सौदा कर लिया है मोमिनों से उनकी जानों का और माल का भी अन्ना लखमुल जन्ना बदले में किस चीज़ के जन्नत के बदले अल्लाह सुबहाना तला से झोलियाँ फैला कर दुआ है कि अल्लाह सुबहाना तला ये महीना ही जो जन्नत के हसूल का महीना है अल्लाह सुबहाना ताल इस जन्नत के हसूल के महीने में हमें अपने तन मन धन अपनी जानों अपने मालों के साथ इस रमजान में यह सौदा चुकाने की तोहफी कता फरमा दे और अल्लाह अपने तन मन धन में से जो पेश करें अल्लाह तू अल्लाह तू बड़ा ही करम करने वाला है अल्लाह उसको कबूल भी कर लेना तो मेरी बहनों मेरी बेटियों यह वक्त तो जिंदगी का गुजर रहा है और गुजरता चला जा रहा है और जल्दी गुजर भी जाएगा मेरा ख्याल आप सभी जानते हैं कि गुजरते हुए वक्त के हिसाब से हमारी जिंदगी को हम ग्रामेटिकली तीन अदवार में तीन दौरों में तकसीम करते हैं कौन से हैं वो तीन दौर गुजरा हुआ वक्त माजी गुजरता हुआ वक्त हाल और आने वाला वक्त मुस्तक माजी हाल मुस्तबिल हमारी जिंदगी के तीन दौर है। हर एक जिंदगी के हर शख्स की जिंदगी के ये तीन दौर है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और ये भी एक अटल हकीकत है कि इन तीनों अदवार में सबसे हमारे माजी में भी गुनाह हुए अब भी हो रहे हैं और मुस्तकबिल में भी होने का भरपूर इम्कान है हम खत्म के पुतले खता हमारी सरिश्त माजी में भी हुए हाल में भी हो रहे हैं और मुस्तकबिल में भी होंगे तो क्या जब ये गुनाह होते रहे हैं हो हो रहे हैं और होने का भी इम्कान है तो फिर क्या करें क्या मायूस होके बैठ जाए क्या उम्मीद होके बैठ जाए कि अब अब तो जन्नत में जाने का इम्कान नहीं है और अब तो जरूरी वासिल पर जहन्नुम होने का मामला है। क्या ख्याल है मायूस हो जाए मायूसी कुफर है ना उम्मीद होना अल्लाह सुबहाना तला ने इससे मना किया है ये मनफी और नेगेटिव सोच और रवैया पैदा करने का तरीका है ये बात याद रखिएगा कि एक शख्स कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानने और अल्लाह को पहचान लेने के बाद एक कुरान का तालिब इम एक मुसलमान एक मोमिन उसकी जिंदगी में मनफी या नेगेटिव रवैया और सोच नहीं होती एक मुसलमान एक कुरान के तालब की जिंदगी में उसका रवैया पॉजिटिव होता है पॉजिटिव और मुस्बित होता है और उसकी सोच और उसका अमल प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता है ये है कुरान का तालबिल ये है एक अल्लाह का फर्मा बरदार जिसकी सोच मुस्बित और पॉजिटिव है और जिसके रवैये और अमल कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव और पॉजिटिव है मायूस नहीं होता अपने इन तीनों अदवार में कमियों और कोताही के बावजूद उसका रवैया क्या है माजी के लिए वो इस्तार करता है हाल में अपनी असलाह करता है हाल में सुस्ती नहीं करता पॉजिटिव रवैया करके हाल में असलाह करता है और मुस्तबिल में फिक्र आखरत और दुआ करता है और यही आज हमारा बुनियादी मजमून भी होगा हमारी बात का कि आज की हम इस नशित में ये जो तीन बुनियादी बातें हैं इसफार दुआ और तजकिया इस पर हम बात करेंगे कि इस रमजानुल मुबारक में हम ये तीन अमल कैसे करेंगे ताकि इस रमजान में हम अपना माजी हाल और मुस्तकबिल संवारने के काबिल बन जाए इस रमजान में हमारा रवैया इन तीन एक्टिविटीज के हवाले से कैसा होगा कि हम अपना माजी अपना हाल अपना मुस्तबिल और फलाह पाने वालों की सब में शामिल हो जाए तो सबसे पहली बात माजी की यकीनी बात है हम सब ने गुनाह किए लोगों के सामने इतराफ करने की जरूरत नहीं लेकिन हम अपनी जान को खंगाले और पर तो हम सब गुनाह किए और बहुत बहुत किए ढेर ढेर किए बहुत से ला की वजह से किए कि बातें पता ही नहीं थी इल्म था ही नहीं बहुत से इल्म के बावजूद किए उनमें जिद और ढटाई का आंसर था और बहुत से गुना शायद इसलिए किए कि कुछ सुस्ती थी कुछ काहिली थी लेकिन किए और हम सब ने किए लेकिन ये सारे गुनाहों का अंबार और ढेर होने के बावजूद अल्लाह सुबहाना ताला का वादा मौजूद है जिसको हमें अपनी जिंदगी का असल मेहवर और मरकज बनाना है अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरा अजुमर की आयत नंबर 43, 53 बड़ी ही खूबसूरत पैगाम है और इस आयत में ना अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत ऐसे लगता है कि पूरे जोश फरमाया गया कुल

मेरे बंदों किन बंदों से मुखातिब है याद रखिएगा इस आयत आयत जुमर की आयत में अल्लाह सुबहाना तला अपने कोई बड़े फर्मा बरदारों कोई नमाजियों कोई हाजियों कोई तहजद गुजारों कोई बहुत ज्यादा ताद गुजारों से मुखातिब नहीं है किन से मुखातब है मेरा राब मुखातिब है उन लोगों से मुझ और राब जैसे लोगों से जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर गुनाहों का अंबार लाद के अपनी गुनाहों के अपनी जानों पर बहुत जुल्म कर लिया है तो अल्लाह मुखदे पर फरमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह दीजिए कि मेरे सारे के सारे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर गुनाहों का जुल्म कर लिया है ला तक न तो मेरे रमत तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना अल्लाह की रहमत कैसी है रहमति गलिबलाज़बी मेरी रहमत तो मेरे गज़ब रहमती वसा तक श मेरी रहमत तो हर चीज पर वस्त आ रही है तो मेरी रहमत से मायूस ना होना क्यों इन जनूब जमिया अल्लाह सारे के सारे गुना बख्श देगा इन नोवल गफूर रहीम ये याद रखना वो तो है ही गफूर रहीम बस तुम क्या करना अनिबू रब्बिकुम रबी कुम वह मिन कबली यौमन याकुम को, तुम्हारे अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा तुम उसकी तरफ पलट आओ उसकी फरमा बरदारी करो उस दिन से पहले कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा अजाब आ जाए या मौत आ जाए और फिर तुम मदद ना किए जाओ तो ये है वो मेरे रब का सबसे बड़ा इनाम मेरे रब का सबसे बड़ा एहसान जिससे इंशाला हमें इस रमजानुलमारक में फैस पाना है हमारे रब की बेहतरीन और सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें उम्मत रसूल वसल्लम का फर्द बनाया क्या ख्याल है इसमें कोई शक है मेरे रब की सबसे बड़ी नेमत क्या है उसने हमें उम्मती बनाया और इस नेमत के बाद उस रब का सबसे बड़ा एहसान दो एहसान जिनके राज हमारी बात होगी उसका सबसे बड़ा एहसान है कि उसने मौत के वक्त के लिए तौबा का दरवाजा खुला छोड़ दिया उस नेमत के बाद मेरे रहमान मेरे रहीम रब का सबसे बड़ा करम और रहम यह है कि उसने तोबा का दरवाजा मौत के वक्त तक तो खुला छोड़ दिया मोहम्मद वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमायाजरत अन की रिवायत से हदीस है इन अकबल तोबा इनबल अल्लाह सुबहाना ताला इसमें शक नहीं है कि अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक मौत की गर गर यानी मौत की हिजकी नहीं आ जाती मौत के यकीनी हो जाने तक मौत के दरवाजे का खुला होना यह मेरे रब का सबसे बड़ा एहसान है और इसी ये रब के एहसान से इंशाल्लाह इस दफा हम मुस्तफ़ीद होंगे क्योंकि मेरे रब ने हुक्म दिया है सूरा नूर में अल्लाह फरमाते या यूहजीना आ मनु मुझे मानने वालों मेरी मानने वालों तूबोल अल्लाह जमियाफले तुम सब अल्लाह की तरफ तोबा करो अगर तुम फलाह चाहते हो इस दुनिया में मौत में कबर में हशर में पुलसरात में जिंदगी के और जिंदगी के बाद के सारे महलों में कामयाबी चाहते हो फलाह चाहते हो नुकसान और खसारे से बचना चाहते हो तो अल्लाह की तरफ तोबा करो तोबा करके रब की तरफ पलटना तो मेरे रब को कितना ज्यादा पसंद है सुरा बकरा में आता है ना तोबा की तो शानी बड़ी खास है इस तफार करने वाले तोबा करके रब की तरफ पलटने वाले तो ऐसे कि इसमें कोई शक ही नहीं कि अल्लाह सुबहाना जो महबूब लोग हैं वो वो लोग हैं जो एक तो पाक साफ सुथरे रहते हैं और दूसरे गुनाहों से बख्शिश तलब करके तौबा करके भी अपने दामन को गुनाहों से साफ करते हैं अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है उस शख्स को फलाह मिल जाती है उस शख्स को जो कसरत से तौबा और इस्तार को अपने लिए अपना लेता है अल्लाह तआला ने कुरान में इसके बरखिलाफ यह भी बताया वह मलम का जो लोग तौबा नहीं करते ना वो लोग तो बड़े जालिमे और वाकई ये बहुत बड़ा एहसान किया तोहफा बिल्कुल ऐसे है कि आप सोचे की एक शख्स है ना वो वो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है और चलते चलते उसको एकदम से ख्याल आता है कि ये रास्ता तो मुझे आग के गड़े में ले जा रहा है और वो साथ अपने पैरल सरात मुस्तकीम जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता देखता है और ये जहन्नम के गड़े में जाने वाले रास्ते पे चलने वाले को फौरन ख्वाहिश आती है कि काश मैं अपना रास्ता बदलकर सरात मुस्तकीम की इशारा पर चढ़कर जन्नत की तरफ गामजन हो जाऊँ तो मेरे रहमान रब ने क्या किया है इन दोनों रास्तों के दरमियान ये तोबा के दरवाजे खोलती है जिस वक्त चाहो इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर आना चाहो जहन्नम के गड़े के रास्ते को छोड़कर जन्नत की बुलंद इमारत की तरफ जाने का रास्ता अपनाना चाहो ये चाहोबा के स्लॉट खुले यू टर्न करो रास्ता चेंज करो तुम्हारा रास्ता जन्नत का रास्ता बन जाए इतनी बेहतरीन ऑफर के बावजूद कोई इस ऑफर से फायदा नहीं उठाता तो बड़े रबा ना जुलम ना अल्लाह हमने अपनी जानों पर वाकई बड़ा जुल्म किया वाइलम तफिर लना वतर हम ना लनकू नन्ना मिन अल खासरीन कसरत से तौबा करनी है और अब भी करें और रमजान में भी करें क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबू इल्लाह उधर अल्लाह फरमा रहे उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तूबू इल्लाह फइन्नी अतूबू इलैहि फी यौमिन मियाता मर्रा ए मोमिनो तुम अल्लाह की तरफ तोबा किया करो क्योंकि मैं भी हर रोज सौ दफा तोबा करता हूँ मोहम्मद सल्हुस महबूब खुदा सल्हुस रहमतमीन सल्लाम जिनके अखलाक का जिक्र अल्लाह फरमाते इन नजीम वो एक दिन में फरमा रहे हैं मी आता मर्रा मैं सौ दफा इस्तार करता हूँ से इस्तार को अपनी रूटीन बनाना है हमें इन शान क्योंकि ये है ही बख्शों का और और ये करते क्या है 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 हदीस हदीस में आता हजरत रजी अल्लाह की से है ना कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो क्या होता है उसके दिल पर एक स्याह नुकता लग जाता है ऐसा ही होता है हम शायद महसूस नहीं करते लेकिन हदीस कहती है कि जब वो तोबा करता है तो वो स्याह नुकता धुल के साफ हो जाता है लेकिन हदीस ने साथ ही इस बात पर भी मुतनबे कर दिया लेकिन अगर वो तोबा नहीं करता तो फिर क्या है गुनाहों की कसरत की वजह से उसका सारा दिल से आ हो जाता है अब फिर आपने ये बताने के बाद कुरान की आयत पढ़ी। कल्ला कल्ला बल रला कुल मकान यही वो दिल है जिस पर दिल पर जंग चढ़ जाता है अपने हाथों का कसब अपने गुनाह है जिसकी वजह से लोगों के दिल जंगालूद हो जाते ये वही ये वही दिल है जिसको अल्लाह कुरान में कहीं कहता है खत्म अल्लाह कलूब मैंने मोहर लगा दी कुछ के लिए अल्लाह कहता है कुलूबुना गुल्फ उनके दिलों के ऊपर पर्दे हैं कुछ के ऊपर मोहर है कुछ के दिल सख्त हैं कुछ पर पर्दा है कुछ पर निकाब है कुछ पर आड़ है और कुछ दिल जो है वो जंग आलूद हैं ये दिल जंग कब होते हैं सख्त कब होते हैं सियाह है, कब होते हैं ज़ियाकार कब होते हैं उन पर कुफिल कब चढ़ जाते हैं उन पर पर्दा कब चढ़ जाता है उन पर मोहर कब लग जाती है जब गुनाहों की कसरत हो और तोबा की कमी हो जब कसरत से इंसान गुनाह करता रहे और इस तफार और तौबा की कमी हो तो यह हाल हो जाता है दिल का और कसरत से ये दिल आज नजर आते हैं खताएं तो हमसे होंगी ना क्या है कोई मासूम अनल खता है कोई इस बात का दावा कर सकता है कि नहीं होगी आप सलाम ने, ने हदीस में फरमाया ना कुल्लु बनी आदम सारे के सारे बनी आदम खताकार है। अब क्या करें हदीस ने आगे बता दिया, खताईन बेहतरीन खताकार वो है याद रखिएगा बेहतरीन वो नहीं है जो खता नहीं करता खताकार तो सब ही है ना लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तोबा करके रब की तरफ पलट आता है अल्लाह के हाँ बेहतरीन बंदों के सब में शामिल होने के लिए खता नहीं खता तो कि ये तो सरिश्ता है लेकिन खता करके रब की तरफ पलट आना इस्तवार करके ये रब के बेहतरीन बंदों में सब में शामिल होने के लिए लाजिम है अच्छा बंदा पलटता है तो फिर अल्लाह क्या करता है अतए बोमिना जम भी कमा लाजम बाला हो गुनाहों से तोबा करने वाला ऐसा है ना उसने गोया कभी गुनाह किया ही नहीं इस तरह हमने तोबा करनी है अल्लाह सुबहाना इस रमजान में कि हमें अल्लाह ही नहीं बस तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या करें हम तोबा करते हैं करते हैं फिर हमसे वो गुनाह हो जाते हैं हम फिर तोबा करते हैं फिर हो जाते हैं अब हम क्या करें शर्मिंदगी होती है क्या बार बार तोबा करते रहें क्या करें किस चेहरे से बार बार तोबा करें हदीस के अल्फाज मौजूद हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक सद्दीक अन की रवायत तरमजी में हदीस आती है कि आप ने जो शख्स जो शख्स सच्चे दिल और खलूस के साथ तोबा करके रब की तरफ पलटता है चाहे वो सत्तर बार भी आए एक दिन में अगर सत्तर बार भी वो सच्चे दिल से खलूस से रब की तरफ पलट के आता है तो अल्लाह सुबहाना तला उसका नाम ना करने वालों की सफ में शामिल कर लेते हैं कुछ तो ऐसे है ना जो गुनाह करते हैं और फिर तोबा नहीं करते तो उनका नाम किस किस सफ में शामिल हो जाता है इसरार करने वाले हैं ये हैं ये ये ढीट ना ठीक होते हैं ना तोबा करते हैं लेकिन जो गलती करके फिर तोबा करके पलटता है फिर गलती करके फिर तोबा करने के लिए पलटता है चाहे वो दिन में सत्तर बार भी ये अमल करे तो हदीस में आता है कि फिर अल्लाह सुबहाना उसका नाम इस्रार ना करने वालों की सप में शामिल कर लेते हैं और ये मोमिनों के सिफ है अल्लाह हमें जिद से ढेटाई से तकबर से अनानियत से बचकर कसरत से इस्तवार करके इसलाख के रास्ते पर चलने की तोहफी किताब फरमा मेरा बड़ा गफूर रहीम अल्ला में फरमाया ना नब्बे नब्बे और रहीम मेरे बंदों को खबर दे दो मैं तो बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं बसों का जब इस्तिग़फार की बात होती है और इन तमाम चीजों का तस्करा होता है तो लोग लोग यही कहते हैं ना कि नहीं ये कह तो रही है ये बताने वाले बता तो रहे तो आइडियल सी सिचुएशन है इनको नहीं पता मैं क्या क्या करके आई इनको नहीं पता मैंने कितने फसाद किए मैंने कितने फितने किए इनको नहीं पता मेरी जबान ने क्या क्या आफतें ढाई बस ओकात ये दिल में ख्याल आता है कि बख्शिश की बात तो कर रही है कह तो रही है बता तो रही है कि अल्लाह सारे बख्श देगा इनको पता ही नहीं मैं क्या चा, क्या स्या चेहरे के साथ मैं अपने चेहरे को छुपाए हुए हूं इनको नहीं पता हदीस के अल्फाज हैं ना सुबह तरमाते हैं रहमान रब फरमाते कि मेरे बंदे तूने मुझसे उम्मीद ही न की ए मेरे बंदे तूने मुझसे उम्मीद ही न की तू जितने चाहे गुनाह लेकर आता मुझसे बख्शिश तलब करता मैं तेरे सारे गुनाह पक्ष देता अगर तेरे गुनाह जमीन से लेके आसमान की छत तक होते और तू मुझसे गुनाहों की बख्शिश तलब करता मैं तेरे सारे बख्श देता अगर तू रुए भर जमीन के गुनाह लेकर भी मेरे पास आता यानी सारी दुनिया गुना, के गुनागारों के गुनाह भी इकट्ठे करके तेरे गुनाह जितने होते और तू वो सारी दुनिया की जमीन के गुनाहों के बराबर गुनाह मेरे पास लेकर आता तो भी मैं तेरे सारे गुनाह बख्श देता और मेरी हुकूमत में कोई फर्क ना आता यह है उस बख्श देने वाले की सिफ और उसकी सरिश्त जितने ले जाएंगे जैसे ले जाएंगे जब ले जाएंगे बस झोली फैला के रो के दुआ मांगेंगे वो सारे बख्श देगा हरीश के अल्फाज मौजूद हैं कि जो शख्स इस बात पर ईमान ले आया कि मैं बख्शने पर कातिर हूं टटोले अपने दिलों को है ईमान कुरान में गफूर गफार गाफिर उजम, काबिल तौब, सब अल्फाज पढ़ते ईमान है, है कि रब बख्शने पर काते और वो बख्शता है पलटने वालों को वो अपना बना लेता है अपने साथ जोड़ देता है तो जो शख्स इस बात पर ईमान ले आया कि मैं बख्शने पर कादिर हूं मैं उसके सारे गुना बख्श दिया करता इस ईमान के साथ बख्शिश मांगेंगे तो वो रब बख्शेगा अरे उस रब ने तो बख्श दिया था जानियों को कातिलों को क्या ख्याल है वो सौ कातिल सौ लोगों के कातिल को जब उसने तोबा करके अपनी बस्ती को छोड़ के इस्लाह के लिए निकला था तो रब ने उस उस सौ लोगों के कातिल को बख्श दिया था जानी बख्श दिए गए रसूल्लाह सल्लाहलम और साथियों के खिलाफ कत्ल की साजिशें करने वाले बख्श दिए गए क्या मैं और आप नहीं बख्शे जाएंगे यकीन के साथ और यसुई के साथ इन जब हम रब की तरफ पलटेंगे तो ये अंबिया का शेवा है बख्शिश मांगना अल्लाह की तरफ तोबा करके पलटना ये अंबिया का शेवा है और इससे रुके रहना और इससे कटे रहना ये शैतान का तरीका शैतान ने क्या किया था शैतान ने क्या किया था अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की सरकशी और सरकशी के बाद वो जिद और डिटाई से जम गया था ना तकबर और अनानियत और घुमंड का शिकार हो गया था ना और फिर उसने क्या कहा था उसने अपने गुनाह का इल्जाम नाउजिल्ला सुबह नाउजिल्ला के तुमरे डाल दिया था क्या हुआ था ऐसे तोबा से रुकने वाले को अल्लाह ने क्या कहा था इतना इबादत गुजार था कि फरिश्तों का हम नशीन था लेकिन अपनी इस तौबा की कमी की वजह से फरुज मिन जन्नत से निकाल दिया गया था मजूम लानत ज़दा बना दिया गया था शैतान रजीम मरदूत बना दिया गया था तो कसरत से तोबा करनी है और कसरत से इस रमजान में इसफार का तरीका अपनाना है इस्तार पर बात का खात्मा करने से पहले मैं ये बात बताती चलूं कि इस्तफार करते कैसे हैं बस अकात लोगों को यह बात और ये तरीका ही नहीं आता लोग कहते हैं आप इतनी इस्तार पर बात कर रही थी मुझे बताएं कि इस्तार करते कैसे हैं क्या किया करें कैसे मांगे अल्लाह से बख्शिश बहुत सादा है हमारा दीन बहुत आसान है बहुत सहल है कोई मशक्कत नहीं इसतफार का तरीका ईसाइयों के लिए तो बहुत मुश्किल है दूसरे मजाब के लिए बहुत मुश्किल है हमारे दीन में बहुत ही आसान है किसी एक वक्त फुर्सत के लम्हात में रात को सोने से पहले दिन के नमाज के बाद किसी एक वक्त जरा वक्त में अकेले बैठ जाइए तन्हाई में बैठ जाइए अपने माजी और अपने हाल का जरा अच्छा सा सेल्फ ऑडिट कर लीजिए अपने अमल अपने रवैये अपने अखलाक अपने मामला अपनी सोचें अपनी डीलिंग्स इन सब का महासबा करें खंगालें अपने सुबह शाम को बेलाग महासबा करें और कड़ा महासबा करें आपको बहुत सी खताएं बहुत से है बहुत बहुत सी बहुत सी कमियां सीताही नजर आएंगी उनको मान लीजिए इतराफ कर लीजिए कि हाँ मैंने ये कमी की है हा मैं यह नाफरमानी करती हूं हाँ मैंने यह सरकशी की है हाँ मैंने अल्लाह के अहकाम की यह नाफरमानी की है मान लीजिए पहले महासबा महासबे के बाद एतराफ कंफेशन एक्सेप्ट हाँ मैंने किया है अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिएगा अपने आप को कवर मत कीजिएगा अपने गुनाह का इल्जाम किसी और पर मत थोपिएगा ये शैतान का रवैया है कन्फेस एंड एक्सेप्ट हाँ मैंने किया है बी बोल्ड एन टू एक्सेप्ट और मानने के बाद फिर नादम हो जाए फिर पशेमान हो जाए शर्मिंदगी किस रब के मुकाबले में मैंने ये अमल कर लिया और बस फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं बस फिर झोली फैला दीजिए कपड़ा गंदा होता है तो कैसे साफ करते हैं पानी से धो के साफ करते हैं दामन गुनाहों के दब्बों धब्बों से गंदा है कैसे साफ करेंगे आंसू आंसू बहा के साफ करेंगे झोली फैला दीजिए महासपा किया एतराफ किया नादिम होके बस झोली फैलानी है अल्लाह के हजूर हाथ उठा के कहना है कि अल्लाह मुझसे हो गया, अल्लाह मैंने ये कमी कर दी मैंने ये खता कर दी मुझसे ये नाफरमानी सरजद हो गई तू रहमान है तू रहीम है तू रहीम है तू करीम है मेरी लक्सों पे नजर न कर तेरी खुआता मेरी खुखता ना ये तुझ में कम ना ये मुझ में कम उसके आगे बस झोली फैला दीजिए और उससे किसी जबान में अपने उर्दू में अपनी अंग्रेजी में कुरान की दुआ में मसनून दुआ में रकू में सजूद में सलाम के बाद किसी हालत में उस रूठे हुए रब को इस्तफार करके उसको ये कह के, के अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह तू गफूर है मुझे बख्श दे अल्लाह तो रही मैं मुझ पर रहम करके मेरे गुनाहों को माफ कर दे और बस वो रब राजी हो जाएगा इसी इस पे साथ अल्लाह से इस्लाह का वादा भी कर लीजिए अल्लाह हो गया था तो माफ कर दे आइंदा नहीं करूंगा ये वादा कर ले और ना करने पर कुदरत मैं नहीं रखता तू मेरा वली और मुआविन और मुहाफिज बन जाएगी उससे मदद मांग ले यही मोर टू इट ये अरबी में करें ये उर्दू में करें या अंग्रेजी में करें किसी जबान में करें किसी हालत में करें झोली उठाएं ना उठाए ऊंचा बोले बोलें, ये इस तकफार बिलीव यू मी एन मुमकिन है कि कोई शख्स सौ हजार दफा इस की तस्बी तो घुमा देता है लेकिन एक दफा भी उसने उस सारी की सारी तस्बी में अपनी किसी गुना को आइडेंटिफाई करके उसकी बख्शिश नहीं मांगी होती क्या ख्याल ऐसा नहीं है टिक 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 अस्तकफिर इसकफर अस्तकफिर लेकिन उस हजार दफा इसल् कहने के बावजूद एक दफा भी अपनी किसी बद अखलाकी अपने बुरे मामले का एतराफ करके उस पर नादिम होकर अल्लाह से बख्शिश नहीं मांगी एन मुमकिन है ये एक दफा का एतराफ और आंसुओं का बहाना उसकी गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाए और वो सौ दफा की तस्बीह जो गाफिल दिल से की जा रही है जो एतराफ़ ख़ ख़ता के बगैर की जा रही है सवा लाख दफा का आयत करीमा पढ़ना अगर वो एक तरफे खता के बगैर है तो वो इस्तार का दुरुस्त तरीका नहीं है इस्तार का तरीका सिर्फ यही है कि अपने गुनाहों को परखकर इतराफ़ करके नादिम होकर अल्लाह से बख्शिश मांगी जाए कुछ दुआएं कसरत से ये दुआएं पढ़ेंगे और रमजान में कसरत से इस्तार करेंगे किन औकात में तहजद के औकात कि वो औकात है ना कि अल्लाबहना तला आसमानी दुनिया पर उतरते हैं अपना हाथ फैलाते हैं और क्या कहते हैं है कोई जो मुझसे कोई दुआ करे और उसकी मैं दुआ कबूल करूं है जो कोई मुझसे अपनी हाजत बयान करे और मैं उसकी हाजत उसको अता करूं है कोई जो मुझसे गुना होगी बख्शिश मांगे और मैं उसके सारे गुना बख्श दू तो इस्तार करना है जिस अंदाज में मैंने जिक्र किया उस अंदाज में तहजद के औकात सहरी के औकात में सारा वक्त रोज़े के औकात में ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है और फिर उसके बाद इफ्तार के औकात में और लैल में रात के कयाम में एतकाफ के दौरान लैलतुल क़दर की रातों में और फिर यहाँ तक कि जब हम बाज़मात, हम नमाज के लिए दिन की नमाज के लिए हाजिर होंगे तो वह भी इसतफ़ार के औकात हैं तो कसरत से इ सारी घड़ियों में इस को लाजिम पकड़ लीजिए हदीस के अल्फाज मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम ने फरमाया खुश हो जाए वो शख्स खुश हो जाए वो शख्स जो अपने नामा या में इस को कसरत से पाले। अल्लाह हमें इस रमजान में खुश होने वाला बना दे खुश हो जाए वो शख्स जो अपने नामा या माल में इस की कसरत पाए और इस की बरकत क्या है हज़रत अब्दुल्ला बिन अबास ताला की रवायत से हदीस आती है कि जिस शख्स ने इस तखफार को अपने लिए लाजम कर लिया जिस शख्स ने इस तखफार को अपने लिए लाजिम कर लिया अल्लाह सुबहाना तला हर मुश्किल से निकलना उसके लिए आसान कर देते हैं मुश्किल में घिरे हैं इस को अपने लिए लाजिम कर लीजिए जिस शख्स ने इस तगफार को अपने लिए लाजिम कर लिया अल्लाह सुबहाना ताल हर मुश्किल से उसके लिए निकलना आसान कर देते हैं उसकी फिक्रों और परेशानियों को दूर करके उसे कुशादगी अता करते हैं ये तखफार करने वाले की बरकतें हैं उसकी फिक्रों को परेशानियों को दूर करके उसको कुशादगी और इतमान अता करते हैं और रिस्क रिस्क उसको वहां से देगा वो रब जहां से उसको मिलने का इम्कान भी ना होगा मुझे बताएं क्या सारे मसाइल हल नहीं हो गए तंगियां दूर हो गई फिकर दूर हो गए बेसकूनिया सकुन इतमान में बदल गई मसाइल हल हो गए मुश्किल हल हो गई रिस्क की तंगियां जाती रहीं उस तरफ से जाती रहीं जहां से हमें इम्कान भी नहीं होगा इस तखबार के लिए कुछ दुआएं पहली दुआ हजरत आदम की दुआ रबाना जुलमना अनफना

उसके बाद कुरान की वो बहुत ही खूबसूरत तो बेहतरीन रहम करने वाला है और फिर कुरान की वो दुआ जिसमें हम अपने ईमान का ऐलान करके अल्लाह से बख्शिश मांगेंगे रबाना इन्ना आमन्ना रबाना इन्ना आमन्ना लाभ इसमें कोई शक नहीं कि हमने तुझे मान लिया है और तेरी मानने लगे रबाना इन्ना फक फिर लाना जनू बना वकी अल्लाह हाल में हमने तुझे मान लिया है तेरी मान ली है पिछले गुनाहों को तू बख्श दे और आगे हमें जहन्नम की आग से बचा ले है मुसलमान का हाल माजी और मुस्तक इन्ना अमन्ना फक फिर लाना जोनू बना ये चार महीने आपको बख्शिश की दुआएं बता दी कुरान की कुछ मसनून दुआए हस्तखिर रबी मिनकुल जामे तरीन दुआ अल्लाह मेरे सारे गुनाहों से मैं बख्शिश तलब करता हस्तखर रबी मिनकुल वोले फिर वो बहुत ही प्यारी से दुआ अल्लाह मखिर मुस्लिमी ना वमुस्लिमात हरीसों के सिर्फ अपनी बख्शिश नहीं तमाम मुसलमान मर्दों औरतों तमाम मोमिन मर्दों औरतों की बख्शिश मांगनी है उसके बाद रकू और सजदे की वो मसनून दुआ सुबह नब्बा नाब हम देख अल्लाह तेरी तारीफ तेरी गम्द रकू सुबहाना तो वह गुना बख्शेगा आप फिर सच दे कि वो बहुत ही प्यारी सी दुआ अल्लाह मखिरली जम्बी कुू दिक्का हो अल्लाह मेरे सारे ही बख्श दे अल्लाह मेरे सारे ही बख्श दे मेरे छोटे भी बख्श ना, मेरे बड़े भी बख्श ना, मेरे छुपे हुए भी बख्श ना, मेरे ज़ाहिर भी बख्श ना मेरे पहले भी बख्श ना मेरे बाद वाले भी बख्श दे सोचे ना रमजान का तहजद का वक्त होगा रमजान के तहजद में मैं और आप इन नफल की हालत में होंगे सजदा रेज होंगे रब के करीब होंगे रब की पसंदीदा हालत में होंगे वह हमद सल्लाम की दुआओं से हम इस्तार मांगेंगे तो बताएं मेरा रब क्या मुझे बख्शेगा नहीं यकीन है ना हजत के सजदे में इंशाला मोहम्मद की जबान मुबारक से निकली हुई मसनून दुआ से हम अपने अगले पिछले खुले छुपे सब गुनाहों की बख्शिश सजदे में जाके बख्शेंगे मांगेंगे इनशाला हम अपने माजी को संवारने में रमजान में जरूर कामयाब होंगे और फिर वो मसनू दुआ दो सजदों के दरमियान अल्लाह मकफिराना वमना व जबुरना वाहदना, वाफिना वरजुकना सभी कुछ तो मांग लिया हदायत भी दे दे आफियत भी दे दे रहम भी कर ले बख्श भी दे और हमें दर्जे भी बुलंद कर हमारी रिस्क भी अता फरमा दे तो चार दुआएं मैंने आपको कुरानी बताई, और फिर मैंने आपको मसनून दुआएं बताई, ये नमाज़ के अलावा भी हैं ये सजदे में भी हैं ये रक़ू में भी हैं और दो सजदों के दरम्यान भी हैं इनको इस रमज़ान में अपने माजी को संवारने के लिए इंशाल्लाह इस रमजान में इनको हम अपने लिए लाजिम कर लेंगे अच्छा जी अब माजी के गुनाहों के धब्बों को धोने के बाद अब हाल के साथ हमने क्या करना है अपने प्रेजेंट का मामला क्या करना है ये तो यकीन हो गया कि जब गुनाहों से बख्शिश मांगते हैं तो अल्लाह माफ कर देता है तो क्या वतीरा बना लेना है पिछले करके पिछले बख्शवा लिए अगले करके अगले बख्शवा लेंगे क्या हाल ऐसे गुजारना है पिछले बख्शवाने के बाद हाल में फिर खुल के जियो मजे से जियो और उसके बाद कोई नहीं इसको फिर बख्शवा लेंगे नहीं हाल कैसे गुजारता है करसत से तोबा और इस्लाह करने वाला अल्लाह सुबहाना तला क़ुरान में फरमाते हैं या युजना आमनु तूबल्लाबतुख ऐमान लाने वालों तुम अल्लाह की तरफ तोबा करो और कैसी तोबा करना तोबत न करना ये नसूह क्या है हजरत उमर रजील से जब पूछा गया कि तौबतुल नसूह से आपको क्या समझ आता है तो उमर ने क्या फरमाया था हजरत ने फरमाया था नसूह ये है कि तोबा करने वाला उस गुनाह के करने का उस गुनाह को करना तो दरकिनार उसको करने का इरादा भी ना करे करने का तो मामला ही नहीं है तोबा तो ये है जिसका कुरान ने हुक्म दिया कि उस गुनाह को करने करने को दरकिनार तो वही जो मैंने आपको शायद में भी बताया ना ला तक रहमत से मायूस ना हो जाए उसमें तोबा के बाद क्या कहा गया था इन जनूब जमीअ के बाद क्या कहा गया था तुम क्या करना फिर खता करके फिर नहीं अपने रब की तरफ पलट आना अपने रब की तरफ पलट आना ये जो तुम अपनी बागें छुड़ा के, के परली दुनिया की तरफ सरकशी से मुंह ढाये भागते चले जा रहे थे ना तुम अपनी डोर अल्लाह के हाथ में थमा नहीं रहे थे ना तुम अपनी बागे अपने रब के हाथ में देने को राजी नहीं थे तुम सरकश बने हुए थे ना दुनिया की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे अब तौबा करने के बाद क्या करना अनिबोला रबी अपने रब की तरफ पलट आना रब की तरफ पलटने के बाद क्या करना असलिम हो फिर उसकी फर्मा बदारी करना उसके आगे सरे तस्लीम खम कर देना मिन कब ले यौमन मिन कब लिया योमन सुम्मा ला तनसरुन उस दिन से पहले कि तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब तुम्हारी मौत का वक्त कोई आजमाइश आ जाए और फिर तुम मदद ना किए जाओ तोबा के बाद फिर हाल में हमें क्या करना है अपने रब की तरफ पलट के उसकी फर्मा बरदारी और अपनी इसलाह का तरीका लाजिम करना है अपनी इस का तरीका लाजिम करना है और इसको हम आपने वो टर्म सुनी होगी तजकिया कहते हैं बस अकात कुछ लोग कहते हैं कुरान पढ़ाने वाले बड़े मुश्किल मुश्किल से टर्मनोलॉजी बोलते हैं तजकिया तस्किया क्या होता है समझाई देती हूँ आपको मतलब तस्किया कहते हैं दो दो बिहेवियर्स की कॉम्बिनेशन को दो मतलब है तस्किया के तस्किया का एक मतलब होता है गंदगी को दूर करना गंदगी को गंदी चीजों को हटाना परे करना दूर करना और तस्किया का दूसरा मतलब है नशो नुमा देना बढ़ाना फैलाना टू ग्रो टू फ्लरिश तो तस्किया का मतलब फिर क्या है गुनाहों को गंदे रवैयों को बुरे रवैयों को निकाल कर नेकियों खैर और भलाई को नशो नुमा देना यह है नथिंग मोर टू इट। बद इखलाकी को निकालकर हुसन इखलाक को बढ़ाना नाफरमानी को निकालकर फरमा बरदारी के नशो नुमा करना सरकशी को निकाल कर अतात में आगे निकल जाना हराम को छोड़कर हरा हलाल में तरक्की करना बदसलूकियों को छोड़कर हुसन मामलात को बढ़ाना इबादात की कमियों को तर्क करके इबादत के हुसन खुशु खुजु में इजाफा करना अब समझ आ गया तस्किया का मतलब यह है तस्किया और यह करना है इन रमजानुल मुबारक क्योंकि सुरह शम्स में अल्लाह ने फरमाया ना कद मन अफला व्वाबा मन तस् फला का नुस्खा यह है कि अगर तुम अपने नफ्स अपने अखलाक अपने मामला अपने रवैयों का तजकिया कर लोगे तो तुम फला पा जाओगे और अगर अपने नफ्स अपने रवैयों के अंदर वो गंदी आदतें वो गुनाह वो सरकशी वो ना को दबा दोगे कवर अप कर दोगे जस्टिफाई कर दोगे तो कद ख्वाबा तुम नाकाम ना मुराद हो जाओगे अल्लाह हमें नाकामियों से बचने की तोफ़ी कता फरमाए अल्लाह कामयाबी का हरीस बना दे अजीम जन्नत की कामयाबी का हमें हरीस बना दे तो कामयाबी का नुस्खा क्या है अपना तस्किया करना कैसे होगा तस्किया सूरा अल आला, आला पढ़ते हैं सूरा अल आला, आला पढ़ते हैं की पहली रकत में सुन्नत से साबित है वितर की पहली रकत में सब हिसम रब्ब का वसवा

अपना तजकिया करो सेल्फ रेडिकेशन सेल्फ रेफॉर्मेशन सेल्फ करेक्शन अपनी इंप्रूवमेंट करो कामयाब हो गया वो शख्स जिसका गुजरा हुआ कल आने वाला कल उसके गुजरे हुए कल से बेहतर हो गया कद अफलाह मन तज़क्का उसका क्या है वो जकर, ही, उसने रब का जिक्र किया फसल्ला उसने नमाज पढ़ी बल तक रून खयातो दुनिया वाल आखिर तुखा अब का चार पॉइंट्स अल्लाह का जिक्र नमाज दुनिया को अपनी तरजीह बनाने के बजाय खैरों व अब का आखरत की दुनिया को अपनी फिक्र और तरजीह बना लोगे ये चार काम करने लोगे मोहब्बतों का पैमाना बदलोगे फिक्रों का पैमाना बदलोगे जबान और दिल में जिक्र इलाही लाओगे और नमाज इस कैफियत में अदा करोगे तो तुम्हारा तस्किया हो जाएगा कैसे होगा बड़ी लाजमर बड़ी वाजह सी बात है जबान पर अल्लाह का जिक्र होगा दिल में अल्लाह की याद होगी जबान पर अल्लाह का जिक्र होगा दिल में अल्लाह की याद होगी तो उस रब की मोहब्बत दिल में आ जाएगी दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो दुनिया हकीर इस आर्जी दुनिया की मोहब्बत उस उस अबदी रब के मुकाबले में इस फानी दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और जब दुनिया की मोहब्बत निकलेगी तो दुनिया की फिक्र भी साथ निकल कर फिक्र आखरत दिल में आ जाएगी और यूं उस शख्स का तस्किया होगा और ऐसे ही इंशाल्लाह हम रमजान में अपना तस्किया करेंगे जिक्र नमाज और मोहब्बतों और फिक्रों के पैमानों को बदल कर तो पहला अमल जिक्र जिक्र की बेहतरीन और खूबसूरत शक्ल अल्लाह ने कुरान में फरमाया अके सलाता सला जिक्री मेरा जिक्र करना चाहते हो तो मेरा बेहतरीन जिक्र का तरीका क्या है नमाज कायम करो जिक्र का बेहतरीन तरीका क्या है नमाज कायम करो नमाज मुमिन की मेराज़ है रब से मुलाकात है कि जुन्नु ना अंधाह मुलाकू नमाज तो ऐसे कि वो गुमान करते हैं कि वो अपने रब से बात कर रहे हैं तो तुमर कहते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं हाँ जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं ये नमाज है मुमिन की मेराज है रब से मुलाकात है रब से करीब करती है उसको उसकी मुलाकात का वक्त याद कराती है ये नमाज वो अमल है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन हसनत युज़हिबन न इसमें कोई शक ना करना कि कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि वो गुनाहों को ले जाती नमाज उनमें से एक है कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ अजर सवाब नहीं देती वो दूसरे गुनाहों को भी ले जाती नमाज वजू नमाज के मुतल आज सिर्फ गुनाहों से बख्शिश का जरिया नहीं हमारी जिंदगी में से बहुत से गुनाहों को खारिज करने का जरिया और सबब भी बनते हैं अल्लाह ने कुरन अल्ला में फरमाया और अल्लाह की बात से सच्ची किसकी है इन्ना सवाता इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं इन्ना का मतलब होता है इसमें शक नहीं है इसमें कोई शक्र शुभे की बात नहीं है कि नमाज हमारी जिंदगी में से सिफहश और मुनकरात को निकाल देती है तो गोया इस रमजान में मेरी किसी बहन मेरे किसी बहन के अहले खाना मेरी किसी यहां पे आने वाली बेटी की पंचगाना नमाज में अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर कर दीजिए इस रमजान में उसको दूर कर दीजिए ऐसा ना हो कि हम रोजे की भूख प्याज तो काट रहे हो लेकिन पांच वक्तों की नमाज में कमी कोताही रह जाए अपने अहले खाना की भी नमाज अहला का बसलात अपने अहले खाना को भी नमाज की ताकि और यही तरबियत और तस्किया का तरीका बनेगा वजह का रस्म रबी ही फ़सोल्ला यही हमारी तरबियत का पहला तरीका बनेगा इन शह पांच वक्त की नमाज होगी तहजत होगी क्यामल एल होगा इशाराक की नमाजें होंगी चार्ज की नमाजें और नवाफुल कामाम तो तस्किया होगा नफल नमाजों को भी इंशाल्लाह अपने लिए इस्तफा लाजिम कीजिएगा ये तरबियत और तस्किया का हमारा पहला आला होगा और दूसरा आला अल्लाह ने कुरान को जिक्र कहा है इन नहनु नज्जल निकरा कुरान भी जिक्र का तरीका है तो अपनी तरबियत और तस्किया जो हम इस कुरान में इस्लाह इस रमजान में करेंगे उसका दूसरा आला कुरान होगा कुरान भी तजकिया का बेहतरीन नाला है मेरे रसूल वसल्लम ने तस्किया किया था मदीना मक्का के किन लोगों का तेईस साल की मुद्दत में वो लोग जो अपनी बेटियों के गले काटते थे अपनी बेटियों को जिंदा कुएं में फेंकते थे अपने भाइयों का खून बहाते थे बेलिबास होके बरना होके खाना काबा का तवाफ करते थे शराबों में मस्त रहते थे जुए खेलते थे चोरी डाके करते थे जनाकारियां करते थे उनकी रेफरमेशन और उनका तस्किया कैसे हुआ था वो चार निकाती तरीका तस्करा आया कुरान के साथ क्या था? में तीन दफा नबी सलम के तरबियत और तस्किया का तरीका आया मोहम्मल किताबल और युसकी चार निकाती तरीका अब तलावत करते थे तलावत के बाद कुरान की तालीम बड़े एहतमाम से उसकी तशरी उसकी तफसीर उसके मानी उसका पैगाम सुनाया जाता था फिर हिकमत यानी हदीस और सुन्नत की तालीम दी जाती थी और फिर उनकी तस्किया किया जाता था और इसी तरह वो तरबियत और तस्किया हुआ कि खालिद बिन वली सैफुल्लाह बन गए हजरत उमर उम्र फारूक बन गए ये वो तरबियत और तस्किया का तरीका था ये चार निकाती ताल्लुक बिल कुरान जिसको हम ऐसे ही अपनाएंगे मुबारक में कुरान की तलावत भी होगी यहाँ पे दौरा तफसीर कुरान में भी जब हम ताल्लुक कुरान के लिए हाजिर होंगे कुरान की तलावत भी होगी इब्तई नशस् में कुरान की तलावत होगी उसके बाद योअल मोहम्मल किताबा इन हम सब मिलकर कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे तफसीर पढ़ेंगे वजाहत करेंगे उसकी तशरी की जाएगी योल महम किताबा भी होगा और हमत इनशा हमारे मुबारक इन सेशन में हदीस सीरत सुन्नत सहबा सहाबियात के तस्कीर के नमूने मौजूद होंगे और फिर योजी हिम हम अपने अखलाक अपने मामला अपने माशरे अपने अपने घराने, अपने माहौल अपने इर्द गिर्द के सारे के सारे समाजी मामला और मसाइल का तस्किया करेंगे उनको एनालाइज करेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको उनकी करेक्शन की कोशिश करेंगे ये ताल्लुक कुरान का तरीका इंशाल्लाह जब हम रमज़ान में जारी रखेंगे और हमारा रवैया कैसा होगा मुस्लिम हनीफन वम अमिनत इब्राहिम जैसा रवैया होगा इनशा हमारा इस दौर कुरान में जिनका रवैया क्या था इस इसल अस्लिम, कि जब उनके रब ने उनको कह दिया था ना कि फर्मा बरदार हो जा तो उसी वक़्त फर्मा बरदारी करता हम कुरान की तलाबत में कुरान की तालीम में हदीस और सुन्नत के पैगाम को सुनते हुए जब हमारा रब हमें कहेगा असलम तो हम असलम तू कहेंगे जब हम ना करेंगे तो हम ना करेंगे ऐसा ही होगा मेरा और आपका रवैया जब हम अपना तजकिया चाहते दौरा कुरान में कुरान के निश्चित के साथ जुड़ना और निशिस्त के दौरान समय व अतवाना कहना इन हम ऐसे ना व अतवाना कहते चले जाएंगे वो जो कुरान ने कहा था ना आफतो में बेबाज किताबे बदत फिर ऊना बेबाजी तुम बाद को मानते हो और बाद हिस्सों को छोड़ते हो ये नहीं करेंगे हम समय ना वतवा न करते जाएंगे कुरान की इस में तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा वाला तैतवान नको मुद्ब मुबीन आहिस्ता आहिस्ता हम दीन इस्लाम में दाखिल होते जाएंगे इनशाला दौरे कुरान में समय अना अतवाना कहने के बाद हम जब इस्लाम में दाखिल होंगे तो फिर हम पर कौन सा रंग चढ़ जाएगा आज अपने रंग देख लीजिए आज अपने चेहरों के रंग जाके आईने में भी देखिएगा इनशाला जब दीन में दाखिल हो जाएंगे तो फिर रंग बदल जाएगा सिब वौतल्ला इन शाह हम सब पर हमारे घरानों पर हमारे सेनों और हमारे आंगनों पर गालिब आ जाएगा ये है तरबियत और तस्किया का तरीका समय आना व तो कहते चले जाना दीन में दाखिल होते चले जाना और शिवकातल्ला अपने ऊपर गालिब कर लेना इन शाह यही हमारे तरबियत और तस्किया का जरिया बनेगा अल्लाह हमें नमाज और ताल्लुक बिलकुर में ऐसी पुख्तगी दे कि इन रवैयों को अपना कर हम अपना तरबियत और तस्किया करने में कामयाब हो जाए तस्किया की बात हो रही है और अपनी इसला की बात हो रही है तो मैं एक छोटा सा आपको मशवरा भी देना चाहती हूँ और वो कुछ ऐसे दूंगी हर काम तब बेहतरीन नतयज मरतब करता है अगर उसको एक तंजीम और एक के साथ किया तो इस रमजान में एक नजम जब से अपना तजकिया करते हैं इस रमजान में ना एक नजम जब से अपना तस्किया करते हैं बजाय इसके कि हम कहेंगे के नहीं ना बस इस दफा हम रमजान में बहुत ही अच्छे से बच्चे बन जाएंगे और बस नहीं ऐसे नहीं होगा लेट्स प्लान प्लानिंग होती है हफ्ता है शजरकारी फला हफ्ता मदर्स डे फादर्स डे होते हैं ना हम रमजान में इस दफा एक बाकायदा जब्ता बना लेते हैं कुछ चीजों को हम दुरुस्त करेंगे और याद रखिएगा पांच चीजों की मैं आपको तजवीज दे रही हूँ वो पांच ठीक हो गई तो इनशाला सारा कुछ ठीक हो जाएगा वो पांच ठीक हो गए गई इंशाला विल जस्ट वर्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दो इन रमजान बाकी भी करते रहिएगा लेकिन मैं आपको जो हदफ दे रही हूं मैं जो आपको टारगेट इस दफा रमजान में दे रही हूं हम सब अपना टारगेट बनाएंगे हम पांच चीजों को अपना हदफ बना के इन पांच को ठीक करेंगे मेरा वादा है इनशाला मुझे यकीन है उस रफ पर ये पांच ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा पहला हदीस का वास्ता हदीस का हवाला आपने फरमाया सुनो जिसम में एक टुकड़ा है जब वो ठीक हो जाए तो सारा जिसम ठीक हो जाता है और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिसम खराब होता है सुन रखो वो टुकड़ा दिल है ये वही दिल का टुकड़ा है कि आपसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवा कहाँ होता है तो आपने इशारा किया था तकवा हा होना तकवा हा होना तकवा हा होना इसी दिल को इसी दिल की असलाह ये पहला पहला हदफ अच्छा जी दिल की दो खिड़कियां होती हैं मैं उस दिन भी बात दिल की दो खिड़कियां कौन सी हैं एक आंखें और एक कान इन्हीं दो पोर्टल्स के साथ दिल में बात पहुंचती है ना दिल की दो खिड़कियां हैं आंखें और कान तो अगली दो चीजें जिनकी इसलाह करनी है दिल के बाद वो आंखें और कान अल्लाह तआला ने सूरह मुल्क में वो जो हम रात को सोने से पहले अपनी कब्र के निजात के लिए पढ़ते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया बनाए, 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 करते हैं। तो लिहाजा आंख कान और दिल बाहर से दोनों जाने वाले पोर्टल्स में से सही चीजें जाएंगी दिल कुछ साफ होगा और फिर जब इन दोनों पोर्टल से चीजें अंदर जाती हैं तो फिर निकलती कहाँ से है निकलती कहां से है दिल की बात दिल की बात निकलती है जबान से तो अगली चीज जिसकी इसलाह करनी है वो इनशाला इस रमजान में जबान होगी सैदना सफियान रजियाल्ला ने रसूल रसुल्ला से पूछा था कि रसूल रसुल्ला मेरी सबसे खतरनाक चीज कौन सी है रावी कहते हैं आपने अपनी जबान को थामा था आपने कहा था अपनी जबान की हिफाजत करो आप सल्हम ने फरमाया इब्ने आदम जब सुबह करता है तो उसका सारा जिसम उसके उसकी, उसकी जबान के आगे आजजी करता है यानी हाथ जोड़ता है तू हमारे मामले में अल्लाह से डरती रहे अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे और अगर तू बिगड़ गई तो हम भी बिगड़ जाएंगे क्या ख्याल है जबान का मामला है पूछा गया था जन्नत में जाने वाले अमल क्या है इतना तो लंबा सा खुतबा देने के बाद आपने समरी बताई आपने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत करो और दोहरा लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज जो शख्स मुझे अपनी जबान और अपनी शर्मगा की हिफाजत का जिम्मा देगा मैं उसको जन्नत का जिम्मा दूँ तो ये तो है ही जन्नत में दाखिले का महीना अपनी जबान की हिफाजत चार चीजें हो गई दिल आंख कान जबान फिर एक और जरिए से हमारे अंदर एक चीज जाती है रिस्क क्या खाने पीने की तस्र होती है मानते हैं अरे खाने की तासीर को मानते कोई चीजें गर्म होती है कोई चीजें ठंडी होती है पता नहीं वो हकीम तो बहुत कुछ कहते हैं कि वो बादी भी होता है खाने की तासीर है जैसा जाएगा वैसा ही निकलेगा ना जैसा अंदर जाएगा वही अमल हाथों पाओ से उभरेंगे और निकलेंगे तो लिहाजा पांचवी चीज जिसकी हमने इसलाह करनी है वो अपना रिस्क है इसको प्लान कर लीजिए इसको प्लान कर लीजिए नजमो जब्त बहरहाल मौजूद है प्लानिंग में पहला काम पहला हफ्ता पहला हफ्ता किस चीज को ठीक करेंगे पहला हफ्ता आंख का हफ्ता होगा पहला हफ्ता आंख का हफ्ता है दूसरा हफ्ता कान का हफ्ता है जब आंख और कान की कुछ असलाह होगी तो तीसरा हफ्ता मैं दिल की इसलाह का हफ्ता रख रही हूं और फिर चौथा हफ्ता आखिरी अशरा वैसे भी बख्शिश का और अल्लाह की रहमत अरूज पर है और उस हफ्ते के लिए मैं वो काम रख रही हूं जो सबसे मुश्किल है अल्लाह ने तो लगाम भी दी है जड़ से बांधा भी है लेकिन उसको लगाम डालना जरा मुश्किल है तो लिहाजा आखिरी हफ्ता हमारी जबान की इसलाह कहा पहला हफ्ता आँख का दूसरा हफ्ता कान का तीसरा हफ्ता दिल का चौथा हफ्ता अपनी जबान की हिफाजत का तस्किया का और पूरे का पूरा रमज़ान हम अपनी रज का तस्किया करेंगे पूरे के पूरे हफ्ते हम रिज का तस्किया करेंगे पहला हफ्ता जब आंख का होगा तो हम किस चीज पर ध्यान रखेंगे अपनी आंख को अपने जब्त और अपने कंट्रोल में रखने की तरबियत करेंगे मेरी आँख मेरी निगाहें कुरान की तलावत तो करेंगी नाजरा कुरान पढ़ेंगी कुरान की तलावत करेंगी कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगी दौरे कुरान में कुरान का तर्जुमा तफसीर पढेंगी, मेरी निगाहें इध उर्द कायन की निशानियों में अल्लाह को पहचानेंगी, इर्द गिर्द अल्लाह के ज़रूरतमंदों हाजतमंदों, गरीबों मस्किनों मोहताजों को भी मेरी आंखें तलाश करेंगी लेकिन मेरी आंखें कोई बेकार ला यानी फजूल हराम हदूतल्ला से तजावुज की चीज का नजारा करने से रुकी रहेगी वो नजारा वो सीन वो तस्वीर वो फिल्म वो किसी के जिसम का हिस्सा जिसके लिए मेरी शरीयत ने मुझे देखने की इजाजत नहीं थी वो मेरे रब के हदूद से तजावज थी उन चीजों को उन नजारों को उन फिल्मों को उन सीनों को उन ड्रामों को उन चीजों को मैं देखने से रुकी रखूंगी नमाज में अपनी निगाह को कैसे रखते हैं खुली छोड़ देते हैं निगाह को नमाज में निगाह को काबू में रखते हैं बस इस रोजे की हालत में भी मैं और आप अपने पहले हफ्ते में अपनी निगाह को काबू में रखने का तरीका इख्तियार करेंगे दूसरा हफ्ता हमारे कान की तरबियत का हफ्ता होगा कानों से हम सुनेंगे कुरान की तलावत कानों से सुनेंगे सबसे पहले आजान के कलिमात और आजान के क़लिमात सुनकर देंगे जवाब नमाज पढ़ेंगे अज़ान के कलिमात को सुनकर कानों से सुनेंगे कुरान की तलावत कानों से सुनेंगे दौरा कुरान की तफसीर कानों से सुनेंगे तरावी इमाम की तलावत और कानों से सुनेंगे अल्लाह के ज़रूरतमंदों हाजतमंदों गरीबों मस्किनों मोहताजों की पुकार किसी बीमार की पुकार किसी जरूरतमंद की पुकार कान हमारे ये सब कुछ तो सुनेंगे लेकिन बेकार ला यानी फजूल की गुफ्तु खराफात की मोमल लतीफे मोमल झूठ लहवल लाहदीस ला सबर इल मौसीकी नाच गाना ना ये आंखें देखेंगी ना ये कान सुनेंगे ये कानों और आंखों का तजकिया जारी है तीसरा हफ्ता दिल का हफ्ता है दिल को पाक करने के लिए चार चीजों पर हमने कंसंट्रेट करना है अपने दिल को चार चीजों से पाक करने के ऊपर पूरी तवज्जो मरकूज कर लीजिएगा मैं टारगेटेड काम करना चाहती हूं इस रमजान में इंशाला और मैं आपको बता दूं कि ये हम इस महफिल में इतने टारगेटेड ओरिएंटेड तरीके से काम करेंगे इन फलाह जरूर पाएंगे दिल को चार चीजों से साफ करना है सबसे पहले जो आज के माशरे में बहुत आम है हसद अपने दिलों का महासबा कीजिएगा कोई जेलसी तो नहीं है हसद से अपने दिलों को साफ कीजिएगा तीसरे हफ्ते में क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे बर्बाद करते जैसे आग लकड़ी को दूसरी चीज जिससे अपने दिलों को साफ करना है क्योंकि किबरियाई उसकी सिफत है अपने दिल को तकबर से साफ करना है कि जन्नत में दाखिले का महीना है जहन्नुम से निजात का महीना है लेकिन जिसके दिल में राई भर भी तकबर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा और अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलैसा जहन्नम मसवलिल तकबरीन क्या जहन्नमतकबरों के लिए काफी नहीं है तो इस रमजान के महीने में जन्नत में दाखले और जहन्नम से निजात के लिए फिर दिलों को तकबर अरे हुसन का है इल्म का है नेकी का है इबादात का है कोठी का है जायदाद का है किसी चीज का तकबर है तो उसको दिलों से निकाल ये दूसरी चीज है जिसे दिलों को साफ करना है तीसरी चीज आपस की नफरतें कदूरतें कीने और बुगसों से दिल को साफ कर दीजिएगा घर भी गुलो गुल गुलजार बन जाएंगे दिल भी हल्के फुलके हो जाएंगे असाफ भी हल्के हो जाएंगे दिलों को सुकून भी मिल जाएगा नफरतें कीने बुगस और अदावतें वो तो साफ किया था हजरत अब्दुल्ला रसुल्लाम की जिंदगी में रोज अपने रात को दिल को साफ करते थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन, तीन दिन मस्जिद नब्बी में रसुल रहमत की जबान मुबारक से जन्नत की खुशखबरी मिली थी और चौथी चीज जिससे दिल को साफ करना है वो मनी रिलेटेड मामला थे हैं लास्ट ऑफ मनी हिरस बुखल हवस लालच और तमा क्योंकि हिरस और हवस ईमान का उतना नुकसान करती है कि एक भूखा भेड़िया हदीस में आता है कि एक भूखा भेड़िया बकरियों के रेवड़ का उतना नुकसान नहीं करता जितना हिरस और हवस ईमान का करती है तो समझान में अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने दिलों में से हमें बता दिया दिलों की चार चीजें चार हदफ बना लीजिए दिल हसत तकबर कीने बुगस का दूरते और फिर उसके बाद चौथी चीज कौन सी है हिरस हवस तमा लालच और तकसर और रिया का शौक मनी रिलेटेड मामला से दिल को साफ कीजिए इंशाल्लाह जब निगाह और कान से गंदी चीज नहीं जाएगी तो दिल की सफाई आसान होगी आप महसूस करेंगी अब जब दिल भी साफ हो जाएगा आंखें और कान भी साफ होंगे तो वो जो चौथा काम बहुत ही मुश्किल था इनशा वो हफ्ता भी बड़ा रहमतों का रफ्ता होगा इनशाला उसमें जबान की हिफाजत आसान हो जाएगी चौथा हफ़्ता जबान का जबान से इनशाला हम कुरान की तलावत तो करेंगे नाजरा कुरान भी पढ़ेंगे जिक्र भी करेंगे तस्वीर भी पढ़ेंगे दरूद भी पढ़ेंगे लेकिन जबान से क्या नहीं करना जो शख्स रोजा रख के भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता अल्लाह को उसके भूख के प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं और झूठ मूल खबाइस है ये जिंदगी से निकल गया तो वो जो शराबी था वो जो डाकू था वो जो जानी था उसके सारे गुना निकल गए थे जब उसने झूठ छोड़ दिया था तो अपने चौथे हफ्ते में मैं और आप जब, जब जबान की असलाह करेंगे तो हम सबसे पहले झूठ छोड़ेंगे फिर मजाक लान तान तिशने शिकवे शिकायतें, शिकायतेंबतें चुगलियां नाम रखना और ये जबान की सारी तबकारियों से अपनी जबान को लगाम डाल के रखने का तरीका इख्तियार करेंगे नमाज में क्या करते हैं क्या अल्लाह के कलाम के अलावा कुछ पढ़ते हैं क्या अल्लाह की हमदोसना और तस्बी के अलावा कुछ करते हैं क्या सांस रुक जाता है क्या दम घुट जाता है क्या जबान बंद हो जाती है रोजे में भी इनशाला ऐसे ही करेंगे फिर सारा का सारा महीना हम अपने रिस्क को साफ करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे रिस्क को साफ करने के लिए क्या कि याद रखना है कि वो गोश्त जो हराम रिस्क पर पला उस पर जन्नत हराम है और वो गोश्त जो हराम रिस्क पर पला वो जहन्नम ही के लायक है तो अपने सहरी के औकात तो अपने अफतार के औकात में अपने दस्तरखान का बड़ा कड़ा मुहासबा कीजिएगा अपनी तजोरियों का अपने बैंक अकाउंट्स का अपने चलते हुए कारोबारों का और अपनी तमाम मामला का कड़ा मुहासबा कीजिएगा कहीं मेरे दस्तरखान पर एक लुकमा हराम रेस का तो नहीं है फिर अल्लाह से दुआ कीजिएगा मसनून दुआ है अल्लाह मकफिनी अनहलिक फे कावाक और फिर इसको साफ करने का अगला तरीका सदका खैरा और जक़ात का देना सब तुरान में फरमाया मोहम्मद सल्हल को मुखातब करके हजमिन अम वाल मोहम्मद सलम इनके मालों से सदके ले लो तो हम व तुम इस सदके के जरिए इनके माल को पाक भी करोगे और इस सदके के जरिए इनका तस्किया भी करोगे तो अपने मालों के मैल कुचैल और गंद को दूर करने का दूसरा तरीका मुहासबे और दुआओं के साथ क्या होगा कि हम सदका खैरात और ज़क़ात के साथ भी अपने मालों की मैल कुचैल को दूर करेंगे क्या होगा इंशाल्लाह निगाहें भी साफ होंगी कान भी पाक साफ सुथरे होंगे दिल भी साफ होगा जबानें भी साफ होंगी जिसम में जाने वाला रिस्क भी पाक साफ होगा इंशाल्लाह जब हम पाक साफ सुथरे हो जाएंगे तो फिर रमजान के कुरान के निशिस्तों के बाद जब कोई चीज आपकी पाक साफ सुथरी होती है तो फिर आप उसको क्या करते हैं कोई चीज को आप अच्छी तरह मल के धो के साफ करते हैं तो उसको अच्छे से गिलाफ और कवर में डाल देते हैं ना उसको साफ रखने के लिए पिलो कवर्स के ऊपर पिलो केसेस चढ़ा दिए जाते हैं बेड्स के ऊपर बेड स्प्रेड्स डाल दिए जाते हैं ऐसे करते हैं ना तो इन जब हम रमज़ान में सारी चीज़ों को साफ सुथरा कर लेंगे तो फिर रमज़ान में कुरान पढ़ने के बाद अपने आप को लिबास तकवा के साथ ढांप कर अपना तस्किया कायम रखने और अपने आप को पाक साफ रखने के लिए उसमें साबित कदमी के लिए जम जाएंगे अच्छा जी ये तो हमारे हाल का तजकिया हो गया कि हम चार हफ्तों में कैसे एक बाकायदा हदफ और टारगेट बना के अपनी कुछ चीज़ों की असलाह करेंगे अब मुस्तबिल के लिए क्या करना है रमजान में मुस्तबिल के लिए क्या करना है वो जो माजी और हाल में अपने आप को गुनाहों से बचाया है उन सारी मेहनतों को रायगा और जया होने से बचने की फिक्र करनी है वो जो माजी का किया जो हाल में किया उसको मुस्तबिल में बर्बाद और खराब और जाया होने से बचने की फिक्र करनी है कुरान पढ़ेंगे जन्नत को पहचान के जन्नत पर अपनी निकाह को मरकूज करके उसको अपनी मंजिले मकसूद बनाने की कोशिश करनी है ये रमजान में मेरी आपकी मुस्तबिल की कोशिश है कुरान को पढ़ेंगे जन्नत की पहचान मिलेगी इन शुरान को पढ़ के तो उस जन्नत पर निगाह को मरकूज करके उसको अपनी मंजिले मकसूद बनाना है अपने कदमों को निगाह को उधर और अपने कदमों की फिकर करनी है कि मेरे कदम साबित कदमी से सरात मुस्तकीम पर हैं तो सही कदम साबित कदमी से सरात मुस्तकीम पर निगाह मेरी जन्नत पर और मेरा हाथ उठ जाएगा दुआ के लिए ये है मेरा मुस्तकबिल के साथ तरीका मंजिल मेरी जन्नत होगी कदम मेरे इस तकामत से सराते मुस्तकीम पर होंगे और हाथ मेरे दुआओं के लिए उठ जाएंगे क्योंकि हदीस ने बता दिया इसमें शक कोई ना करना कि दुआ इबादत है और जहां मैंने आपको भी बताया कि अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और अल्लाह के एहसानात में से जो दो बड़े सबसे एहसान है एक तो और दूसरा तो आका दरवाजा करीबी वाई अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम्हारे बंदों में से जो जब जहां दिन को रात को सुबह को शाम को गर्मी में धूप में छाव में जाड़े में तूफान में कोई हाकिम महकूम कोई आका कोई गुलाम कोई मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान बीमार जो मुझे जब जहां जैसे पुकारेगा जिस चीज के लिए पुकारेगा इन रब हई तुम्हारा रब हया वाला है करीम उन इज्जत वाला है उसको खाली हाथ लौटाते हया आती कैसा रहमान है वो मेरा रब वो कहता है जब जहां जो जब जिस चीज के लिए पुकारेगा मैं सुनूंगा मैं जवाब दूंगा मैं कबूल करूंगा मैं हाजत पूरी करूंगा और सिर्फ यही नहीं मैं उसके साथ तुम्हें इबादत का अजर भी दूंगा मेरी तरफ आओ तो सही दुआ इबादत है इबादत का महज़ है अफजल इबादत है हदीस में आता है कि आप ने फरमाया नक्रमंद दुआ अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई है ही नहीं अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई है ही नहीं तो इस इज्जत वाली मैंने और आपने इस इबादत से अपने आप को ढेरों ढेर मुस्तफीद करना इस रमजान क्योंकि हदीस में आता है ना कि तकदीर को नहीं बदल सकती कोई चीज मगर दुआ तकदीर को नहीं बदल सकती कोई चीज मगर दुआ और तकदीर ही के लिए और तकलीफ के लिए आप फरमाया दुआ टाल देती है हर उस तकलीफ को जो उतर चुकी है और जो अभी नहीं उतरी यानी जो आफतें आ चुकी हैं उनको भी दुआएं टाल देती हैं और जो भी आई नहीं है ना उनको भी टाल देती हैं। और एक दूसरे को जो बेहतरीन तोहफा और हदिया भी हम देते हैं वो भी क्या है वो भी तो दुआ ही है ना और फिर के अल्फाज आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहाना तिसके साथ खैर और भलाई का इरादा करते हैं उसको दुआ की तोफ़ीक देते हैं अल्लाह हमें यह तोफी अता फरमा दे और अल्लाह हमें मकबूल दुआ बना दे और अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल भी फरमा ले जो हमारे हक में बेहतर हैं तो अल्लाह जिसको बता भलाई का और खैर का इरादा फरमाते उसकी दुआएं उसको दुआ की तोफीक देते हैं तो अल्लाह सुबहाना ने इसीलिए फरमाया कौल रबनी फस्त जिब लकुम अल्लाह कहता कि के मुझे पुकारो अल्लाह कहता कि के मुझे दुआएं करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा और हदीस ने हमें वॉन भी कर दिया है मामा लम यासल्ला जो अल्लाह से सवाल नहीं करता या गुत अल्लाह उस पर गजबनाक हो जाता है मांगने से वो रम खुश होता है आपको पता है ना क्या कि की कि दो सिफत एक रहीम और एक रहमान रहीम क्या सिफत है कि वो मांगने से दुआ मांगने से वो खुश होता है और रहमान वो है जो ना मांगने से नाराज हो जाते हैं तो दुआएं मांगनी है रमज़ान में मांगनी है ये दुआओं की कबूलियत का महीना है कसरत से मांगनी है हम सबकी जरूरतें भी हैं हाजतें भी हैं दुख भी हैं परेशानियां भी हैं बीमारियां भी हैं गम भी हैं मसाइल भी हैं बहुत से गुनाह भी हैं बख्शवाने के लायक तो दुआई मांगनी है कसरत से मांगनी है उठते बैठते चलते फिरते दिन को रात को हर वक्त मांगनी है इस रमजान में अपने लिए दूसरों के लिए मुल्क के लिए उम्मत और मिल्लत के लिए जन्नत के लिए जहन्नम से निजात के लिए नेकियों की तौफीक के लिए गुनाहों से बचने के लिए कितनी दुआएं मांगने वाली हैं दुनिया भी मांगनी है आखरत भी मांगनी है कसरत से मांगिएगा दुआ के हवाले से कुछ थोड़ा सा कि दुआ के, के आदाब क्या होंगे और कब कहाँ, कैसे दुआएं कबूल होती हैं ताकि इंशाल्लाह हमारे लिए काम आसान हो जाए ना और हम मकबूल दुआ भी बन जाए दुआ के आदाब में सबसे पहली बात याद रखिएगा कि दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से की जाती है दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से की जाती है दुआ करते वक्त आज़ज़ी और इंकसारी तकबर धौस रोब ऐसे नहीं मांगा जाता अल्लाह से आजजी और इनके सारी से उदूर अब्बकुम तजर वकीीफा आजी से इंकिसारी से गिड़ गिड़ा गिड़ गिड़ा के गिरिया जारी करके रोक के दुआ मांगना और फिर दुआ मांगी जाती है समझ के होश के साथ समझ के साथ क्योंकि हदीस में आते हैं कि गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती यकसू होके समझ के होश के साथ फहम के साथ दुआ मांगनी है और फिर दुआ मांगनी है यकीन के साथ यकीन के साथ वसूख के साथ तवक्ल के साथ याद रखिएगा मैं और आप यकीन के साथ दुआ मांगेंगे तो नमूना मौजूद है हजर जकरियालाम बुढ़ापे में है। उन्होंने खुद कहा कि मेरी कमर मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा है मेरी कमर बुढ़ापे के जोब से झुक गई है और मेरी बीवी बूढ़ी और बांझ है क्या कहा था मिला तो ये मुझे अपनी जनाब से औलाद दे दे और साथ कहा था मुझे यकीन है कि तू दुआए सुनने वाला है इस बुढ़ापे की उम्र में बाज बीवी के साथ दुआ का रवैया क्या था वो लम्ब कुंबी दुआए का रबी शकिया अल्लाह में तुझसे मांग कर कभी नामुराद हुआ ही नहीं ऐसे मांगनी इस यकीन से मांगिए कि राज वो है मोइज वो है रब वो है गफूर वो है सब उसके हाथ में है सारी चीजें उसके कंट्रोल में है वो मुझे ना मुराद नहीं छोड़ेगा मैं उसके सामने हकीर नुकता हूँ वो अहकमल हाकमीन मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा वसूख और तबक्कुल से मांगिएगा दुआएं मांगने के लिए हाथ उठाया भी जा सकता है और बगैर उठाए भी मांगी जा सकती है जरूरी नहीं है कि हाथ उठाए जाए ना चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते वक्त हमने तो रमजान में सारा वक्त ही मांगनी है तो हाथ उठाना जरूरी नहीं है एक ही दुआ को बार बार खास तौर पे तीन दफा दोहरा के दुआ करना ये भी सुन्नत से साबित है और दुआ दुआ के अल्फाज बहुत सादे होने चाहिए सादे सीधे क्लियर कट कोई लफाजी कोई घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड सी बातें कोई शायराना तरीका कोई गा गा के दुआएं करना ये कोई तसव्वुनी नहीं सादे क्लियर कट दो टोक अल्फाज दुआ का तरीका होना चाहिए और फिर उसके बाद दुआ के आखिर में आमीन और शुरू में बिस्मिल्लाह कहना ये भी सुन्नत की ताकीद और तरीका मौजूद है लेकिन ये याद रखिएगा कि दुआ की कबूलियत के लिए भी कुछ औकात और कुछ कलमत मौजूद हैं कौन से कलमात अगर दुआ से पहले पढ़े जाए तो दुआ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है फिर इस बना लीजिए दुआ से पहले अगर अल्लाह की हमदो सना की जाए कोई भी तस्बी सुबह कोई भी तस्वीर जो आपको याद है दुआ से पहले तस्बी का करना अल्लाह की हमदोसना और पाकि का करना ये दुआ की कबूलियत का इमकान बढ़ा देता है दुआ से पहले दरूद पढ़ना मोहम्मद सल्लाम पर दरूदे पढ़ लीजिए दुआ से पहले सूर फातिहा का पढ़ना दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है बकरा की दो आयत का पढ़ना फिर दोहरा तो दू अल्लाह की हमदोसना करना तस्बीहात करना तरूद पढ़ना सूर्य फातिहा पढ़ना सूर्य बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ना और फिर या या फिर हदीस में एक और ताकीद मौजूद है आपने फरमाया या ज़ल वल अक़राम को अपने लिए लाजिम पकड़ लो इन दुआओं से पहले जल अक़राम का कहना यह भी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है दुआओं के दौरान अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाह लसमा फदउहु बिहा अल्लाह के बहुत ही अच्छे से नाम है उसको उन नामों के साथ पुकारा करो तो अल्लाह सुबाना ताली को उसके नामों का वास्ता देकर बख्शिश मांग रहे हैं तो गफूर कहकर औलाद मांग रहे हैं तो खालिद कहकर रिस्क मांग रहे हैं तो राजिक कहकर इज्जत के मसाइल हैं तो मुआज कहकर शिफा और बीमारी का मामला है तो शाफी कहकर तो लिहाजा उसको उसके सिफाती नामों का वास्ता देकर मांगिए फिर कुछ औकात और कुछ सरगर्मियां हैं जिनके बाद दुआ ज्यादा कबूल होती है नमाज और नमाज के साथ आज़ान के बाद दुआ कबूल होती है अजान और अकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है रक़ू कयाम सजूद तशद में दुआ कबूल होती है सलाम फेरने के बाद फ़र्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और सारी नमाज के बाद भी दुआ की कबूलियत का वक्त है तहजद की नमाज़ में दुआ कबूल होती है जुमे के दिन असर की नमाज़ के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त है कयाम्लैल तरावी में इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी और यहाँ फजर से लेके जो इशराक तक एक मुख्तर सा इतकाफ़ है इनशाला उसके बाद दुआ कबूल होगी तरावी के बाद भी दुआ कबूल होगी बात नमाजें जुम्मे की नमाज़ी दैन की नमाज ये भी दुआओं की कबूलीत के अवात हैं क़ुरान पढ़ने के बाद ज़िक्र की महफिलों में दुआएँ कबूल होती हैं कोई भी नेकी कामल करने के बाद दुआएँ कबूल होती हैं रोज़े की तहजद के अवत सहरी, सारा दिन रोजेदार की अवतार के अवत तरावी के दौरान कदर की घड़ियों में नमाज ईदैन और एतकाफ़ में दुआएं कबूल होती हैं इसी तरह जब अल्लाह की राम माल खर्च करेंगे सदका खैरात और ज़क़ात की नेकी करने के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं कोई खर्च करेंगे रमजान में खिलाएंगे पिलाएंगे सदका देंगे खैरात देंगे फिदिया देंगे फितराना देंगे तो ये सब वो नेक अमल है कि इन अल्लाह के राह में खर्च करने के बाद दुआएं कबूल होंगी वालदेन की दुआएं औलाद के हक में औलाद की दुआएं वालदेन के हक में उस्ताद की दुआएं शागिर्दों के हक में शागिर्दों की दुआएं उस्ताद के हक में इनशाला जब सफर करेंगे कुरान को सीखने के लिए तो सफर में दुआएं कबूल होंगी मेहनत तो और जिहाद और कोशिश करेंगे इन रमजान में तो मुजाहिदों की दुआएं कबूल होती हैं आरजी से हिजरतें करेंगे रमज़ान से आजी से हिजरत करके अपने घर से आएंगे ना तो महाजरों की दुआएं कबूल होंगी यहाँ पर एक आरजी से ए तकाफ़ की कैफियत तो में बैठेंगे तो इन उसमें दुआएं कबूल होंगी बीमारों की दुआएं कबूल होती हैं और मजलूम की दुआ कबूल होती है इसलिए जुल्म से बचना है हदीस में आता है कि आप वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में आएगा और दुआएं कबूल नहीं होती किन की तीन लोगों की ये फहरिस्त भी याद रखनी है आप वसल्लम ने फरमाया तीन बदब ऐसे हैं कि जिनकी द्वार लैलतुल तो कदर की रात में भी कबूल नहीं होती वालदैन के ना फरमा बरदार सूद खाने वाले शराब के आदि जो वालदेन के नाफरमा बरदार हैं इन दिलों में अपने रवैये को फरमा बरदारी से बदल लें कहीं ऐसा ना हो कि दुआएं कबूलियत से रुक जाएं, जिनके पास से रहमतों के ख़जाने हैं वो तो फरमा बरदारी से अपनी नाफरमा बरदारी को बदल लें लेकिन जिन्होंने नाफरमा बरदारियाँ कर ली और उनके वालदेन अब उनके पास मौजूद नहीं वो क्या करें हदीस में बहुत खूबसूरत ख़जाने मौजूद हैं वादा उन उन औलादों के लिए भी मौजूद हैं वो औलादें जिन्होंने अपनी अपने वालदे की ज़िंदगी में उनके साथ नाफरमा बरदारी की हदीस में वादा आता है अगर वालदेन की वफात के बाद अपने औलाद वो औलाद अपने वालदे के लिए कसरत से बख्शिश की दुआएं करेगी यानी जिंदा थे तो तब तो नाफरमा बरदारियाँ करते थे अब वो फौत हो गए अब रुखसत हो गए अब तो फरमा बरदारी हो नहीं सकती अब क्या है अगर उनके फौत हो जाने के बाद ना फरमा बरदार औलाद अपने वालदेन के लिए कसरत से बख्शिश की दुआएं करेगी तो अल्लाह के हुक्म से उनका नाम ना फरमा बरदारों की सफ से निकालकर फरमा बरदारों की सफ में डाल दिया जाएगा और फिर याद रखिएगा कि दुआ कबूल नहीं होती हराम रिस्क खाने वाले की हजर सात बिन अबी वकास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नुस्खा बताइए कि मैं मकबूल दुआ हो जाऊं कि मेरी दुआएं कबूल होने लगे आपने फरमाया था कि अपना रिस्क हलाल कर लो तो लिहाजा ये वो दुआएं होंगी एक फहरिस्त बना लीजिए फिक्र आखरत के हवाले से हमने क्या क्या दुआएं करनी है यहाँ पे भी लिख लीजिए और अक्सरियत वो है जो अब बहुत ज्यादा दफा अभी भी सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे और इन वो दुआओं के कार्ड्स भी इन लोगों के पास अवेलेबल हैं मैंने आपको बख्शिश के लिए कुछ दुआएं बताई अब हम अपने मुस्तबिल हवाले से क्या दुआएं करेंगे अल्लाह फक अल्लाह पहले इल्म मांगेंगे दीन में फहम मांगेंगे फिर कहेंगे कि इल्म वो देना जो मुझे नफ़ा भी दे और मुझे अमल कबूल करने वाले अमल की तौफीक दे फिर अल्लाह से दुआ मांगिएगा अब अली सदरी अल्लाह मेरा सीना खोल देना और इस काम के लिए यस्रली अमरी मेरे लिए आसान कर देना फिर अल्लाह सुबहाना ताल से दुआएं मांगनी है इस रमजान में अलहिम ना रोश्तन वाइज़ ना मिनशरूर पा अल्लाह मेरे दिल पर इल्हाम कर देना हदायत को और मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा लेना फिर दुआ करे या मुशर्रफुलरफी अला तू दिलों को फेरने वाला है मेरे दिल को अपनी अताहत की तरफ फेर दे